उसके बाद का क्वेश्चन है हमारा जो ये है काफी इंटरेस्टिंग है, कैलकुलेट अ एमएटी सेल्स यूजिंग डेट्स इन पीरियड फंक्शन फॉर ईच प्रोडक्ट। तो एमएटी आपका मूविंग एनुअल टोटल होता है, तो ये मैं आपको समझा दूं क्या होता है। बेसिकली मूविंग एनुअल टोटल मतलब क्या, मैं यहाँ पे चार पांच नंबर लिखता हूं, एक दो यहाँ पे सॉरी आ गया तीन लिख रहा था गलती से, ये थ्री ऐसा हो गया थ्री, और यहाँ पे लिख रहा हूं मैं फोर। ठीक है, मूविंग एनुअल टोटल मतलब क्या, वन प्लस टू थ्री, थ्री प्लस थ्री सिक्स, सिक्स प्लस फोर टेन, समझा आपको, ये मूविंग टोटल है, मूविंग एनुअल टोटल, नॉट अ मूविंग एवरेज टोटल, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे करते हैं वो आगे जा करके। तो यहाँ पे बेसिकली ये यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है और उनका मूविंग एनुअल टोटल जितने प्रोडक्ट इनके सिलेक्शन है तो कैसे वो ग्रो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन यूज किया गया है, आप देखोगे सेम वैसे ही डेट्स इन पीरियड ले लिया है और सिर्फ यहाँ पे 12 मंथ्स का यूज किया गया, मतलब कुछ नहीं, सेम टू सेम आपका क्यूमुलेटिव वे में अगर एड करना है यहाँ पे डेट्स इन पीरियड डॉट डेट मैच डेट को सेलेक्ट करके वो आगे का टोटल कैलकुलेट होता जाएगा। तो ये जो कैलकुलेट हमने किया मूविंग एनुअल टोटल इज सिमिलर टू आपका प्रीवियस वाला जो हमने कैलकुलेट किया, सेम ऐसा ही है। तो मैं आपको ये जो हमारा फुल जो कंप्लीटेड है वो दिखा देता हूँ मूविंग एनुअल टोटल के अंदर कैसा हमने किया है। मूविंग एनुअल टोटल सिंपल आपका ये है कि कैलकुलेट सम ऑफ द ऑर्डर ब्रेकडाउन प्रॉफिट, डेट्स इन पीरियड फंक्शन यूज किया गया, मैक्स जिस डेट तक सेलेक्ट किया गया वहां तक का टोटल बताओ, तो मूविंग एनुअल टोटल एंड YTD इज वन एंड द सेम। ठीक है, तो इसके लिए मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, क्वेश्चन रिपीट हो गया, सिर्फ नाम अलग है, ये चीज आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमने कैलकुलेट किया है, ये जो शीट है इसके अंदर सब सारे इंपॉर्टेंट डैक्स लिखे गए हैं जो प्रोजेक्ट्स के अंदर में यूज होते हैं। ठीक है, तो ये मैंने सब बना के रखा है एंड दिस इज जो हमारा लाइव ट्रेनिंग ज्वाइन करेगा ऑफलाइन और ऑनलाइन उनको ये शेयर कर दे, उनके उनके लिए मैंने ये बना करके रखा है ताकि वो आसानी से कर पाए अगर मेरे मैं एबसेंट हूं तभी भी। ठीक है, सो वी हैव सॉल्व दिस एमएटी, तो वी डोंट नीड टू सॉल्व